पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आसमान में धुंध की परत और कोहरे में घिरा ये नजारा राजधानी लखनऊ का है, जहां सुबह से ही आसमान ने कोहरे की चादर ओढ़ रखी है। दिल्ली, लखनऊ समेत उत्तर भारत के कई शहरों में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद कई जगह तापमान लगातार गिरता जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम के मिजाज से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि घर से निकलने के बारे में सोचना पड़ रहा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि ठंड के कहर को देखते हुए सरकार को ठंड से बचने के कुछ न कुछ इंतजाम करने चाहिए, जिससे थोड़ी राहत मिल सके। ठंड तो आज बहुत है, हम कैंट से आ रहे हैं। ठंड और कोहरा दोनों ही बहुत काफी है और ठंड लग रही थी, तो अभी हम लोग आके यहाँ रुक के चाय पी रहे हैं और थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा कोहरा खुले तो हम लोग फिर आगे निकला जाए। की शुरुआत हो चुकी है पूर्वांचल में और करीब 10-15 दिनों से ये सिलसिला जारी रह रहे के बीच में धूप निकल रही है, लेकिन उस धूप का कोई मतलब नहीं है। गलन और ठंड भरी हवाएं चल रही है। पछुआ के नियंत्रण में कुछ मौसम का मिजाज सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वही हालत हो जा रही है। आज तो एकदम दिखने की स्थिति नहीं है, जैसे तैसे आदमी घर से निकल के अपने कार्यस्थल पे जा रहा है, लेकिन वही है कि आदमी 7 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम के मिजाज में बदलाव इसी तरह देखने को मिलेगा। सूरज की आंख मिचौली के खेल से 17 जनवरी तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं पंजाब में अगले 48 घंटे में बारिश और ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।